हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कम्पिटिटिव मैथ्स में। आज इस वीडियो में आर्मी के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, सीरीज टेस्ट या श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम यदि आपके ट्रेड में रीजनिंग आना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रेणी क्रम से एक क्वेश्चन देखने को आर्मी एग्जाम में मिलता है। तो आप इसको सीरियल से लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो लॉजिक लगता है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, कौन सा लॉजिक लगाते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये आप इस वीडियो में देखिएगा लास्ट तक, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और क्वेश्चन इसमें मात्र दो टाइप के बनते हैं, इस टॉपिक में दो टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं और एक तीसरा टाइप भी कभी कभी आ जाता है। तो वो तीनों टाइप आप सीरियल से देखिएगा, देखिएगा पहला टाइप जो होता है वो कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें पहला टाइप का जो होगा वो सिंपल सीरीज पढ़ेंगे, सिंपल सीरीज, सीरीज में पहला सिंपल सीरीज होगा। और सिंपल सीरीज में केवल हमें क्या देखना पड़ता है, अंतर, संख्याओं के बीच में क्या देखेंगे, अंतर, केवल अंतर देखना है, डिफरेंस कितने कितने का है। तो जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल एक दो तीन चार पाँच छः क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एक का अंतर है, सब में डिफरेंस एक एक का है। तो यहाँ पर एक जोड़ा तो दो आया, दो में एक जोड़ा तो तीन, इसी तरह जोड़ते जाएंगे तो छः में भी एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सात। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, सेकेंड एग्जाम्पल दो चार छः आठ दस क्वेश्चन मार्क। पहले हम बहुत ही बेसिक से लेके चल रहे हैं, इसमें पहले बेसिक से और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें देखिएगा कितना कितना जोड़ा है, समझ में आ जाएगा। प्लस दो किया तो चार आ गया, चार में प्लस दो किया छः आ गया, छः में प्लस दो किया आठ आ गया, आठ में प्लस दो किया दस आ गया, दस में भी प्लस दो कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा बारह इसका आंसर। तो अंतर देखते जाएंगे कितने कितने का अंतर है। और ये जो सीक्वेंस होता है तो ये सीरियल से लास्ट तक फॉलो करता है, एक दो स्टेप देखेंगे तो आगे पता चल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल इसी में, अब जैसे आ गया एक तीन पाँच सात नौ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये विषम संख्याएं हैं, इसमें भी दो दो जोड़ा है, एक में दो जोड़ दिया तीन आया, तीन में दो जोड़ दिया पाँच, पाँच में दो जोड़ दिया सात, सात में दो जोड़ दिया नौ, तो नौ में भी दो जोड़ देंगे तो सर आंसर इसका कितना हो जाएगा, ग्यारह। तो इस तरह से दो दो जोड़ दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, फोर्थ नंबर, अब इसमें देखिएगा थोड़ी बड़ी संख्याएं ले रहे हैं, जैसे पाँच सात ग्यारह सत्रह पच्चीस, इसमें देखिएगा पाँच सात ग्यारह सत्रह पच्चीस अगला क्वेश्चन मार्क है। अब जैसे इस तरह की सीरीज आ गई और क्वेश्चन आपके यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं एग्जाम में बनना, तो यहाँ भी डिफरेंस देखिए, केवल अंतर देखिए कितने कितने का है। जब ऐसे आए तो यहाँ पर देखिएगा कितना जोड़ दिया है, पाँच में दो, पाँच दो सात, फिर सात में कितना जोड़ा कि ग्यारह आ गया तो चार जोड़ दिया, सात और चार कितना हो गया ग्यारह। अब ग्यारह में कितना जोड़ा कि सत्रह हो गया तो छः जोड़ा है, ग्यारह और छः कितना होता है सत्रह। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सम संख्याएं जोड़ रहा है, इसमें दो चार छः ये सम संख्याएं होती है, तो आगे फिर कितना जोड़ेगा आठ, क्योंकि सत्रह आठ कितना होता है पच्चीस, फिर आगे कितना जोड़ेगा, जब आठ जोड़ा तो आगे जोड़ेगा दो दो बढ़ा के जोड़ेंगे सम संख्याएं, तो दस जोड़ देंगे आगे, पच्चीस और दस कितना उत्तर आएगा इसका पैंतीस। तो मतलब इसमें सम संख्याएं जोड़ा है, सम संख्या, सम संख्या देख लेंगे, इसमें सम संख्याएं बढ़ाते गया है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसी का, समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक चार नौ सोलह, इसमें लिखेंगे एक चार नौ सोलह पच्चीस और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर इसको दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको डिफरेंस देखना है, अंतर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ तो ये भी देख रहे हैं कि ये एक का वर्ग है, एक का वर्ग एक, ये दो का वर्ग है चार, स्क्वायर में जब जाएंगे तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग सोलह, पाँच का वर्ग पच्चीस, तो आगे आ जाएगा किसका स्क्वायर, छः का स्क्वायर सीरियल से, तो उत्तर तो आ जाएगा छत्तीस। लेकिन इसको उसी तरीके से लगाएं, अंतर देखेंगे, अंतर देखिएगा यहाँ कितना जोड़ दिया है तीन, दूसरे तरीके से देखेंगे तो एक में तीन जोड़ा चार, फिर कितना जोड़ दिया चार में कि नौ आ जाए तो पाँच, चार पाँच नौ, तो देखिए विषम संख्याएं जोड़ रहा है तीन पाँच, आगे कितना जोड़ेगा फिर ये देख लेंगे, नौ सात कितना होता है सोलह, तो नौ सात सोलह, सात जोड़ दिया, आगे कितना जोड़ेगा फिर जब तीन पाँच सात, तो आगे जोड़ेगा नौ, सोलह नौ पच्चीस, अब फिर पच्चीस में कितना जोड़ देगा
ये दो दो बढ़ा के जोड़ते जाना, तो 11 जोड़ देगा, 25 11 कितना हो जाएगा 36। तो इसी में एक देखिएगा और ये भी लास्ट, इसको समझ लीजिए, इसका केवल ऐसे देखेंगे, अंतर देख लेंगे तो पता चल जाता है। अब जैसे 8 15 22 36, नेक्स्ट देखिएगा 8 15 22 36 50 71, और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है। जब इस तरह की संख्याएं आ जाएंगी तो यहाँ पर फिर वही देखना है, डिफेंस देखेंगे पता चल जाएगा। ये सिंपल सीरीज में इसी तरह करना है, अंतर देखना है बस, संख्याओं के बीच अंतर और कौन सा प्रोसेस लगा है, मतलब सीक्वेंस क्या लगाया है, सीरियल पता चल जाता है कितना कितना जोड़ा है या फिर घटाया है, दो में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा 7 जोड़ दिया है, 8 में 7 जोड़ा तो कितना आ गया 15, 8 7 15, 15 में कितना जोड़ दिया कि 22 आ गया 7, 15 7 22, तो 7 7 जोड़ा है दो बार। अब आगे देखिए कितना जोड़ा है, नेक्स्ट 36 में 22 माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना जोड़ा है, 36 माइनस 22 करेंगे तो 6 में 2 घटाएंगे 4, 3 में 1 14, कितना जोड़ दिया है यहाँ पता चल गया 14, माइनस कर लेंगे बड़े में छोटे मान को, तो 22 में 14 जोड़ा 36 आया, फिर 36 में कितना जोड़ा कि 50 आया, तो 14 ही जोड़ा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 का पहाड़ा होता है 7 का 7 7 2 14, अब ये रिपीट कर रहा है दो दो बार। आगे देखिए 71 आ गया, 50 में कितना जोड़ा है 21, 50 में कितना जोड़ा है 21, तो ये 7 का पहाड़ा है, वो भी रिपीट करके जोड़ रहा है 7 7 14 14, तो फिर से एक बार और 21 जोड़ेगा, 71 में भी कितना जोड़ देगा 21, तो उत्तर आ जाएगा, तो 70 20 90 और 1 1 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 92। तो मतलब 7 का जो टेबल है वो रिपीट कर रहा है, 7 का टेबल, ये टेबल रिपीट कर दिया है ना, 7 का टेबल क्या कर दिया, रिपीट, ये। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कभी कभी जो नंबर है तो नंबर टेबल में रिपीट हो जाती है, इसको हम लिख लेंगे, कोई भी किसी का भी टेबल ले सकता है, टेबल मतलब पहाड़ा, तो नंबर किस में रिपीट कर देता है, टेबल में, नंबर टेबल में रिपीट कर देता है, मतलब वही दो बार जोड़ देता है रिपीट, ये याद रखिएगा, नंबर टेबल में रिपीट कर देता है। अभी यहाँ 7 को रिपीट किया है, 7 का टेबल, तो 7 का 7 7 2 14 7 1 21, तो ये हो गया सिंपल सीरीज। सिंपल सीरीज में आप केवल अंतर देख लीजिएगा तो आपसे तुरंत क्वेश्चन, मतलब पता चल जाएगा कौन सा सीक्वेंस या लॉजिक लगाया है। अब देखते हैं सेकेंड नंबर में आते हैं, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन किस तरह का बनता है। सेकेंड आ जाता है, देखिएगा या तो गुणा कर देगा, गुणा या फिर वर्ग करके लिख देता है या फिर घन करके लिखता है, गुणा वर्ग या घन। तो ये देखिएगा संख्याएं जब गुणा करेगा, वर्ग करेगा, घन करेगा तो संख्याएं बड़ी प्राप्त होती जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल इसमें लिखते हैं, जैसे 100, 121, 144, 169, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देगा, यहीं पर रोक देते हैं। तो देखिएगा ये संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं, बड़ी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसमें हमें फिर अंतर नहीं देखना है। जब ये गुणा वर्ग या फिर घन जब आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको वर्ग देखना है। देखिएगा यहाँ पर या तो गुणा होगा या फिर वर्ग या घन तो दिख जाता है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या किया है, वर्ग किया है। जैसे 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग सीरियल से बढ़ाता गया है 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, तो जो अगला आएगा वो किसका स्क्वायर आएगा, 14 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा 196। 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196, ऑप्शन में देख लेंगे। ऐसे ही इसी तरह देखिएगा जब घन का आएगा, तो घन का जैसे 1 है 8 27 64 125, फिर इस तरह क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये दिख जाएगा जब श्रेणी आएगी उसमें एग्जाम में, तो वो समझ में आ जाता है कि वर्ग है कि घन है कि गुणा है। ये आपको संख्याएं बहुत बड़ी प्राप्त होती जाएंगी, मतलब बढ़ते क्रम में, तो फिर इसमें डिफरेंस नहीं देखना है। यदि बड़ी संख्याएं मिल रही हैं आगे, तो इसमें वर्ग या फिर घन रहता है। यहाँ पर 1 का घन है 1 का क्यूब या 1 का घन 1, ये 2 का क्यूब है 2 का क्यूब 8 होता है, या 3 का घन कितना होगा 27, 3 3 9 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, तो आगे अगला जो आएगा वो 6 का घन होगा, जो कि 216 होता है, तो ये आपको ऑप्शन में देख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, ये तो गुणा और भाग वाला हो गया, सॉरी वर्ग और घन, अब गुणा वाला देख लेते हैं। गुणा में क्या होता है, जो सीरीज लिखी रहती है उसमें देखिएगा किस तरह से रहता है, तो देखिएगा 2 4
12 48 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिएगा ये गुणा है, इसमें इसमें काम किसका है, गुणा का। संख्याएं बहुत बड़ी मिल रही, आगे से मिलने लगी, पहले दो है छोटी, फिर चार, फिर 12, फिर इसके बाद बड़ी संख्या मिल गई 48। तो फिर इसमें डिफरेंस अंतर नहीं देखना है, ये सिंपल सीरीज नहीं है। इसमें आप समझिएगा, यहाँ दो दूनी चार, कितने का गुणा कर दिया दो में, दो का चार आ गया, चार त्याई 12, चार में तीन का गुणा कर दिया 12 आ गया, फिर 12 चौक 48। तो देखिए गुणा करता गया है, पहले दो का गुणा, फिर तीन का गुणा, फिर चार का गुणा, तो आगे अब गुणा किसका करेंगे, पाँच का। तो अब देखिए कि संख्या उत्तर आ जाएगा 5 8 40 की 0 हासिल 4 और 5 4 20 4 24 240, यही इसका उत्तर होगा। देखिए संख्याएं बहुत बड़ी प्राप्त हो रही हैं। तो ये जब बड़ी संख्याएं आगे की ओर मिलती जाएं बढ़ते क्रम में, तो उसमें निश्चित रूप से ये वाला आपका टाइप लगेगा, गुणा या फिर वर्ग या फिर घन। अब इसमें और भी कुछ भी इसमें दे सकता है बड़ी संख्याएं दे करके, तो ये सवाल देख करके पता चल जाता है कि सीक्वेंस क्या लगाया है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक अगला सवाल इसी में, एक सब एग्जांपल और देख लें इसी में। जैसे 2 2 4 12 48 लिख दिया इसी में, जैसे एक एग्जांपल और ले लेंगे, जैसे 2 है फिर 2 है फिर 4 12 और 48, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। इसमें भी देखेंगे पहले कितने का गुणा कर दिया है, एक का, 2 1 कम 2, फिर कितने का गुणा किया है, 2 का 2 2 4, फिर कितने का गुणा कर दिया, 4 3 12, 3 का, फिर कितने का गुणा कर दिया, 4 का 12 4 48, तो अब कितने का गुणा करेगा, 5 का, तो उतना ही आएगा 48 5 2 40। तो मतलब इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, 2 से 2 2 4 12 48, ऐसे दे सकता है सीरीज। इसमें आपको गुणा करना है। अब नेक्स्ट वाले में देखेंगे, नेक्स्ट टाइप तीसरा, ये तो दूसरे टाइप का हो गया। आपके एग्जाम में केवल 3 टाइप के ही लॉजिक लगाता है, 3 टाइप के मतलब लॉजिक का क्वेश्चन देता है, ये सेकंड लॉजिक हो गया। जो तीसरा लॉजिक है उसमें देखिएगा डबल सीरीज रहता है, वो बहुत ईजी है। तीसरा देखिए, तीसरा देखेंगे, तीसरा लॉजिक डबल सीरीज, DOUBL डबल सीरीज, दो दो सीरीज एक साथ चलती है इसमें, डबल सीरीज में। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, दो सीरीज एक साथ चलेंगी, जैसे 3 7 15 31 63, देखिएगा 3 7 15 31 63 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिएगा डबल सीरीज चलेगी, और क्या होगा इसमें देखिएगा, गुणा के साथ या तो जोड़ होगा या फिर घटाव होता है, दो में से एक रहता है, गुणा के साथ जोड़ या फिर घटाओ, क्योंकि इसमें भी बढ़ते क्रम में संख्याएं दी हैं। तो देखिएगा बहुत सिंपल है, इसमें दो दो सीरीज एक साथ चलाएंगे, देखिएगा 3 2 6 और एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और ये प्रोसेस फिर लास्ट तक चलती है। जो एक बार स्टार्टिंग में लग गई, 3 2 6 और प्लस 1 7, 7 में 2 का गुणा करेंगे, 7 2 14 प्लस 1 15, फिर इसमें 15 2 30 और प्लस 1 31, तो 2 × 2 + 1 × 2 + 1, तो यहाँ भी इसी तरह गुणा 2 करेंगे, 31 2 62 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 63। सेम यहाँ उत्तर यहाँ मिलेगा, 2 का गुणा करके प्लस 1 करेंगे तो 63 2 126 और 1 जोड़ देंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 127, 2 का गुणा करके 1 जोड़ देना है। इसमें और भी इसी तरह के देखिएगा, डबल सीरीज जब रहेगा तो इस तरह देख लेंगे, बस इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। एक एग्जाम्पल और इसी में देखिएगा, या तो गुणा के साथ घटा देता है, तो देखिएगा 3 5 एग्जाम्पल है इसका, 9 17 33 9 17 33 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी देखिएगा संख्याएं बढ़ते क्रम में है, तो इसमें भी डबल सीरीज है, मतलब गुणा तो है, गुणा के साथ घटाव है। देखिए कैसे गुणा के साथ घटाव है, जैसे इसमें 2 का गुणा कर दें तो 6 आता है, 3 2 6, और माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। फिर से यही प्रोसेस लगाएंगे, 2 - 1, तो 5 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 5 2 10 आएगा, -1 कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। इसी में फिर इस तरह सेम 2 का गुणा करेंगे, 9 2 18, -1 करेंगे तो कितना आएगा, 17। इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा और -1, 17 2 34, और -1 करेंगे तो कितना आएगा, 33। अब यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे और -1 करेंगे तो वैल्यू देखिएगा, 33 2 66 और 1 घटा देंगे तो उत्तर कितना आएगा इसका, 65। ये इसका सोल्यूशन हुआ। तो ये डबल सीरीज का मतलब इस तरह सॉल्व करेंगे।
तो ये तीन टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं इसके, अब तीनों टाइप के सम्मिलित एग्जाम्पल देखते हैं शामिल करके। अब आपको ये तीन लॉजिक पहचानना है, मतलब तीन टाइप के क्वेश्चन में तीन तरह का लॉजिक हो गया और तीन प्रकार के लॉजिक। एक पहला लॉजिक क्या है, अंतर देखते हैं संख्याओं के बीच, पहला लॉजिक। और दूसरे में क्या है, स्क्वायर, गुणा, स्क्वायर और क्यूब, मतलब गुणा कर दें या फिर वर्ग या फिर घन। और ये जो तीसरा है ये डबल सीरीज, डबल सीरीज में क्या होता है कि गुणा के साथ जोड़, गुणा के साथ घटाओ, ये याद रखना है। तो देखते हैं इसमें अगला। अब देखिए एग्जाम्पल, कुछ एक एग्जाम्पल देखिएगा इसमें क्या लगाया है, कौन सा लॉजिक, 6, 13, 28, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, चार टर्म में इसको रोक दिया। तो अब देखिएगा यहाँ पर समझ में आएगा, 6 है और फिर डायरेक्ट 13 आ गया है, तो मालूम कि 2 का गुणा करके एक जोड़ दें तो 13 आ जाएगा। इसमें आपको देखने से ही पता चल जाएगा, 2 का गुणा और प्लस कितना कर देना है, 1, तो 13 आ गया। अब यहाँ पर 13 में 2 का गुणा करेंगे तो 13 × 26, लेकिन कितना जोड़ना है, 2 का गुणा करके फिर प्लस 2 करना है। पहले प्लस 1 करेंगे फिर प्लस 2, मतलब डबल सीरीज है, तो 1, 2, तो देखिएगा 13 × 26, 2, 28। अब अगला जब टर्म निकालना है तो 2 का गुणा तो होगा, ये देखिए 2 का गुणा चल रहा है, पर यहाँ 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो अब कितना जोड़ देंगे फिर बाद में, 3, तो 28 × 56, और 56 × 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, अगला टर्म आएगा 59। इस तरह आपके एग्जाम में जैसे मिलता है तो आपको किसी तरह दे सकता है, डबल सीरीज में जोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, +1, +2, +3 बढ़ते क्रम में भी जोड़ सकता है या फिर वही वही संख्या जोड़ सकता है, सेम वही डिजिट, यहाँ एक एक जोड़ता जाए तो ये इजी हो जाता है सीरीज। अब देखने पर तुरंत पता चल जाता है, एक दो स्टेप जहाँ देखेंगे तो समझ में आ जाता है कि कौन सा लॉजिक लगाया है। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं यहाँ पर, 26, 37, 50, 67, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया है, फिर नेक्स्ट टर्म एक और ले लिया है 109, क्वेश्चन मार्क के बाद कितना लिख दिया है, 109। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पता करना है, कभी कभी इस तरह दे देता है बीच में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। तो यदि इस तरह का एग्जाम में आता है तो आपको स्टार्टिंग से देखना है, डिफरेंस देखना है पहले, इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, मतलब अंतर, फर्स्ट वाला स्टार्टिंग का हो गया क्योंकि कम कम अंतर है, तो पहले अंतर देख लेंगे, अंतर देखेंगे तो सीक्वेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ 26 और 37 है, तो कितना जोड़ दिया है, यहाँ पर दिख रहा है कि 11 जोड़ दिया है, क्योंकि 7 में 6 घटाएंगे तो 1 और 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 11 जोड़ दिया। यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो आप 50 में 37 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 13, मतलब 37 और 13 कितना होता है, 50। जब पता नहीं रहता कि कितना जोड़ दिया तो घटा लेंगे आपस में, फिर आगे देखेंगे कितना जोड़ दिया, पहले 11 जोड़ा फिर 13 जोड़ा, अब 15 जोड़ेगा ये। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 11, 2, 13, 2 बढ़ा करके। अब इसके बाद क्या जोड़ रहा है, 17, कितना जोड़ दिया है इसमें, 17, क्योंकि 67 माइनस 50 करने पर 17। तो ये कौन सी संख्याएं जोड़ रहा है, अभाज्य संख्याएं, 11, 13, 17। फिर आगे अब क्या जोड़ेगा इस टर्म को निकालने के लिए, 19, क्योंकि 19 भी अभाज्य है, मतलब इसमें अभाज्य संख्याएं जोड़ रहा है, ये है तो अंतर पर संख्या कौन सी ले रहा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं और एक से करती है, स्वयं से और एक से, तो 11 के बाद 13 आती है, 13 के बाद सीधे क्या आती है अभाज्य संख्या, 17, और 17 के बाद जस्ट क्या आएगी, 19। तो जोड़ देते हैं कितना आएगा, उत्तर आ जाएगा तो 9, 7, 16, ये 7, 9 जोड़ेंगे तो 16 की 6 हासिल 1, और 6, 1, 7, 1, 8, 86, उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 86 आ जाएगा। अब 86 में कितना जोड़ेगा कि 109 आए, तो अगली अभाज्य संख्या 19 के बाद, तो 19 के बाद डायरेक्ट 23 होती है, तो मतलब इसमें कितना जोड़ेंगे, 23 जोड़ देते हैं इसमें 86 में, तो 109 आ जाएगा। देखिएगा 80, 20, 100 और 6, 3, 9 जोड़ने पर आ जाएगा, तो अभाज्य संख्याएं जोड़ा है। तो थोड़ा सा इस तरह के यदि क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क बीच में, तो मतलब डिफरेंस देखिएगा तो समझ में आ जाता है कि सम संख्याएं जोड़ा है कि विषम जोड़ दिया, कि एक एक का, दो दो का अंतर किया। अंतर यदि करेगा तो इस तरह से डिफरेंस समझ में आ जाता है, यहाँ पर अभाज्य संख्याएं जोड़ दिया है। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, कभी कभी अल्फाबेट ले लेता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, उस तरह की सीरीज देख लें। एक लास्ट क्वेश्चन एक देखिएगा, न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल दोनों वाला ले लेता है एक साथ, कभी कभी इस तरह कभी आपको देखने को मिलेगा, जैसे जेड जी, जेड और जी, और फिर 13, फिर कामा,
इस तरह की श्रेणी आ जाती है। फिर आपको दे दिया एक्स जे पंद्रह, एक्स और जे पंद्रह संख्या और वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक साथ दे दिया दोनों को। फिर कामा, इसी में अगला दे दिया भी एम सत्रह, भी एम सत्रह, और अगला टर्म पूछ लिया कि आगे फिर क्या आएगा। आपको इस तरह की भी सीरीज देखने को मिल सकती है एग्जाम में। तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको देखिए संख्या तो पता चल गई होगी कि संख्या अंगली क्या आएगी यहाँ पर जब उत्तर लिखेंगे। तो देखिएगा तेरह, दो पंद्रह, दो सत्रह, तो संख्या तो मिल गई कि उन्नीस आएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो उन्नीस लगभग सब में रहेगा, ऑप्शन में उन्नीस सब में रहेगा। अब इनमें देखना है कि इन अक्षरों में अब क्या क्या आएगा। तो देखिएगा यहाँ जेड है, जेड में दो घटाया तो यक्स आ गया, जेड में दो घटाया तो यक्स, चौबीस है इसका क्रमांक। इनके अब क्रमांक यदि पता है तो ऊपर लिख देंगे छब्बीस है, ये चौबीस है, और ये भी का कितना होता है बाईस, तो समझ में आ जाएगा कि दो दो माइनस किया है। तो बाईस में जब दो घटाएंगे तो बीस, और बीस किसका होता है टी, बीस किसका क्रमांक होता है, ये यहाँ बीस आ जाएगा, दो दो माइनस करेगा पहले वाले अक्षर में। पहले पहले वाले अक्षर को देख लेना है सभी का, पहला वाला अक्षर तो पता चल जाता है। अब दूसरे वाले अक्षर में ये सात है, जी का क्रमांक क्या होता है सात, और जे का क्रमांक कितना होता है दस, तो देखिए तीन जोड़ा है सात तीन दस। फिर ये कितना होता है, एम का क्रमांक कितना होता है तेरह, तो जब सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाला ये वाला, तो तीन तीन बढ़ा रहा है सात तीन दस तीन तेरह। फिर कितना जोड़ देंगे, तेरह में तीन जोड़ेंगे तो सोलह आएगा, सोलह का मतलब यहाँ पर कौन सा अक्षर फंसेगा पी, क्योंकि पी का क्रमांक कितना होता है सोलह। तो आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग, वहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का एक वीडियो वो अपलोड हो गया है, और वो भी मिलेगा आपको इस वीडियो के सॉरी चैनल के प्लेलिस्ट में, ये वीडियो मिल जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का अपलोड हो चुका है चैनल के प्लेलिस्ट में, मिल जाएगा इसी चैनल के, और ये यहाँ पर इस तरह का भी एग्जाम्पल आ जाता है। तो इस टॉपिक में इतना ही कवर करेंगे, ये सीरीज टेस्ट लगभग आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक जो रीजनिंग का होगा वो आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा, और इस चैनल की प्लेलिस्ट से आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।